साथियों नमस्कार, सतना स्टार न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं कैलाश प्रयासी। सीधी में आदिवासी परिवार के साथ हुए घटनाक्रम के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री एक्शन में आए और आरोपी का घर जमींदोज कर दिया गया। कांग्रेसियों द्वारा मुद्दा उठाए जाने के बाद इस मामले पर त्वरित कार्रवाई हुई। बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको छात्रवृत्ति वगैरह वजीफा मिलता है। बहुत कोई परेशानी घर में कुछ भी हो तो मुझे बताना। क्या क्या करते हैं आप? बल्लेदारी मंडी में। हाँ, कुबेरी में। कुबेरी में मंडी है। वोट धोने का काम करते, लाने ले जाते। मुझे बहुत दुख हुआ वो घटना देख के। मैं माफी चाहता हूँ, ये क्योंकि मेरी ड्यूटी है। मेरे लिए तो जनता ही भगवान जैसे, गरीब भगवान जैसे, अपना नाश्ता करके चल रहे थे। लेकिन सीधी घटनाक्रम से भी बड़ा घटनाक्रम सतना में घटित हुआ। यहाँ पे एक आदिवासी परिवार के अनपढ़ होने का फायदा उठाते हुए माफियाओं ने उसकी बेस कीमती 10 एकड़ भूमि सतना बाईपास से लगी हुई कब्जा ली। परिवार के अनपढ़ होने का फायदा उठाते हुए माफियाओं ने नाबालिग को बालिग बताकर और बहनों के फर्जी त्याग पत्र का सहारा लेते हुए उस परिवार की 10 एकड़ भूमि, जिसकी अनुमानित कीमत 80-90 करोड़ के लगभग है, उसे हथिया ली। उस आदिवासी परिवार के साथ हुए घटनाक्रम में आज वो परिवार दर दर की ठोकरें खा रहा है और मजदूरी करके अपना पेट पाल रहा है। ऐसा नहीं है कि उसने प्रशासनिक लड़ाई नहीं लड़ी। विगत 10 वर्षों से वो लगातार न्याय की गुहार लगा रहा है। सतना से लेकर संभागायुक्त कार्यालय तक उसने आवेदन दिए और उसमें कार्यवाही भी हुई। जानकारी के मुताबिक संभागायुक्त ने सतना राजस्व अमले को यह निर्देश दिया है कि इसकी रजिस्ट्रियां, जो कि इस आदिवासी परिवार के की रजिस्ट्रियों को निरस्त किया जाए, संबंधित आदेश भी जारी किया है। मामले में मध्य प्रदेश के मंत्री राम खिलावन पटेल का भी पत्र प्रशासन को लिखा गया कि कमिश्नर के आदेश का पालन किया जाए, फिर भी प्रशासन के कान में जू नहीं रेंगी है। माफियाओं ने उस आदिवासी परिवार को कूटरचित दस्तावेजों के सहारे आज दर दर भटकने के लिए मजबूर कर दिया है। उस आदिवासी परिवार ने न्याय पाने के लिए सतना में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में भी बैनर पोस्टर के साथ अपनी आवाज उठानी चाहिए, लेकिन प्रशासन ने उनकी आवाज मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंचने दी। उसके बाद सतना आए भारत के गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम में भी वह परिवार बैनर पोस्टर के साथ अपनी मांग लेकर पहुंचा, लेकिन उसकी आवाज गृह मंत्री तक नहीं पहुंची। वह परिवार न्याय के लिए लगातार भटकता रहा और हाल ही में वह परिवार भोपाल सीएम हाउस तक जा पहुंचा, जहां उसने अपने साथ हुए अत्याचार के सारे दस्तावेज प्रस्तुत किए और उसे कार्रवाई का भी दिलासा भरोसा दिया गया, लेकिन आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को चाहिए कि उस आदिवासी परिवार के मामले में संज्ञान लें और माफियाओं के खिलाफ कड़ा एक्शन करें और उस आदिवासी परिवार को उसकी भूमि वापस दिलाएं। माफिया इतने ज़्यादा मदमस्त हो चुके हैं कि उन्होंने आदिवासी की भूमि में करोड़ों के व्यवसायिक भवन बनाकर मोटा मुनाफा कमा रहे हैं और आज वह आदिवासी परिवार दर दर भटक रहा है। सतना स्टार सहित सतना के दैनिक अखबार, साप्ताहिक अखबार, पाक्षिक, मासिक, सभी समाचार पत्रों के साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी इस आदिवासी परिवार के साथ हुए अत्याचार की घटनाएं प्रमुखता से दिखाई और प्रकाशित की गई। फिर भी आज तक उस आदिवासी परिवार को न्याय नहीं मिल सका है। देखने वाली बात यह होगी कि क्या कमलनाथ और अजय सिंह राहुल जैसे नेताओं द्वारा इस विषय उठाए जाने के बाद ही इस आदिवासी परिवार को न्याय मिलेगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि अगर सीधी घटनाक्रम से सतना के घटनाक्रम को कंपेयर किया जाए तो सतना के घटनाक्रम में दर्जनों आदिवासी परिवारों का भविष्य खा लिया है। माफियाओं ने आज उन्हें टुकड़े टुकड़े के लिए मोहताज कर दिया है। आने वाले समय में इस आदिवासी परिवार के साथ हुए घटनाक्रम में जो भी अपडेट होगा हम आपके साथ साझा करेंगे। धन्यवाद।
सतना स्टार विंद के सभी क्षेत्रों में संवाददाता और ब्यूरो चीफ नियुक्त करने जा रहा है। यदि आप भी पत्रकारिता क्षेत्र में रुचि रखते हैं तो यह मौका आपके लिए है। रीवा, सीधी, सिंगरौली, अनूपपुर, उमरिया, शहडोल, कटनी, पन्ना के लोग हमसे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।